सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी LTTE के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाला गया है अलग अलग पदों पर, अलग अलग भर्ती। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 500 है। 500 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। ज़बरदस्त सैलरी है और इसका जो लास्ट डेट है वो भी काफ़ी अभी दूर है। 25 अक्टूबर से जो है फॉर्म फिलअप करना इसका जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी इसमें जो है आप फॉर्म भर लीजिए। इसके जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक जो है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से नोटिस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ से आप फॉर्म फिलअप वगैरह करेंगे, ठीक है। मैं आपको फॉर्म भरने का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर और समझते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि NICL के द्वारा जो है यहाँ पर रिलीज किया गया है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी LTTE के द्वारा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो रिक्रूटमेंट फॉर 500 असिस्टेंट के लिए जो है वैकेंसी है 5500 पदों पर, मतलब 24 अक्टूबर से जो है फॉर्म फिलअप करना जो है इसका स्टार्ट हो गया है कमेंट्स फॉर्म्स, ठीक है। लास्ट डेट जो है 11 नवंबर है और फी जमा करने का भी जो है लास्ट डेट 11 नवंबर ही है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा फेस वन होगा वो 30 नवंबर को होगा और फेस टू आपका जो है 28 दिसंबर को यहाँ पर होगा। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर एग्जामिन्स कमेंट्स फ्रॉम टू बी नोटिफाइड, वो आपको नोटिफाइड किया जाएगा। और अब इसमें बात करते हैं वैकेंसी, स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसी कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है। तो आंध्र प्रदेश में देखें तो यहाँ पर लिखेंगे तो 21 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। और इसमें किस में कितने वैकेंसी है, मतलब आउट ऑफ विच जो कैटेगरी वाइज है। तो इसमें देखेंगे तो ST वालों के लिए 2 है और OBC वालों के लिए यहाँ पर 7 है, फिर EWS वालों के लिए 2 और जनरल वालों के लिए 10। और इसमें एक सर्विसमैन के लिए भी दो पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। और विकलांग पर्सन के लिए जो है ना ए में 1, बी में 2, एक और सी में यहाँ पर नहीं है, ये जो है अल्फाबेटिक में आपको बताया गया है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है सबको बताया गया कि कहाँ कितनी वैकेंसी है और साथ ही में आपको सब हर एक में जो है यहाँ पर लोकल लैंग्वेज बता दें कहाँ क्या लोकल लैंग्वेज है। तो आप जहाँ से है वहीं से अप्लाई करिए, शायद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट हो तो आप अटक जाए वहाँ पर। जैसे बिहार का, तो बिहार का हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो आपको अगर आपको हिंदी आती है तो ही आप बिहार से अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये बात आप जो है याद रखिए एक मरतबा अप्लाई करते समय। टोटल वैकेंसी जो है 500 पदों पर है। असिस्टेंट का जो है यहाँ पर पोस्ट है और आप नेशनलिटी देखें तो आप अगर आप इंडिया, नेपाल, भूटान से आते हैं तो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से लेकर के 30 तक रखा गया है और SC/ST वालों के लिए 5 साल की छूट, OBC वालों के लिए 3 साल की छूट और विकलांग पर्सन के लिए 10 साल की छूट यहाँ पर है। एक सर्विसमैन के लिए कितना है वो आपको बताएगा नीचे, ठीक है। और एक्सिस्टेंस एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उनके लिए 5 साल की छूट यहाँ पर बताया गया है। फिर नोट फॉर एक्स सर्विस मैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है फॉर इन एनी डिसिप्लिन तो आप इसमें जो है, ठीक है, ग्रेजुएशन पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सी बात है यहाँ पर। बाकी डेफिनेशन है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसके अंदर एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम जो है आपका होगा तो वो आपको वहाँ बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट हैव टू अपीयर ऑफ द ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्ज़ाम थ्री आफ्टर कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन मेन एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्टलिस्ट फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। हाँ, तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में जो है आपको बोला गया है, मतलब लैंग्वेज टेस्ट। तो जहाँ से आप आते हैं वहीं से अप्लाई करें ताकि आपका लैंग्वेज टेस्ट जो है आवे। और फेस वन में आपका प्रीलिमिनरी जो है एग्ज़ाम जो है आपका होगा, तो इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग एबिलिटी है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, फिर टोटल एग्रीगेट है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस आपको बता दिए गए कौन कौन सा मतलब रहेगा, जैसे कि 30 क्वेश्चन है इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए 30 है, इसमें 35 है, फिर इसमें 35 टोटल 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन गए। मार्क्स जो है आपका जितना क्वेश्चन रहेगा उतना आपको मार्क्स भी मिलेगा, जितने मतलब एक मार्क्स के लिए जो है आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 60 मिनट आपको मिलेगा पूरा इसमें करने के लिए और
इंग्लिश रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और फिर इंग्लिश हिंदी आपको जो दोनों यहाँ पर जो है आपको रखा गया, ठीक है। उसके बाद फेज़ टू में आपका मेन एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आप पर कितना टेस्ट है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी है, फिर टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस है, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपका 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन टोटल 200 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हो गए 200 मार्क्स के। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों है, फिर 120 मिनट आपको मिलेगा, किसके लिए कितना टाइम मिलेगा ये बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन फ़ीस बताता हूँ मैं। फिर जो है एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि ऑनलाइन आप इसमें पे करेंगे, जो कि 24 अक्टूबर से 11 नवंबर तक जो है अवेलेबल रहेगा। SC ST PWBD यानी कि विकलांग पर्सन और एक्स सर्विस मैन के लिए जो है 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जो है रखा गया है, और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट बचे उनके लिए 850 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे कर लें, अप्लाई करने के लिए आपको कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 24 अक्टूबर टू 11 नवंबर ऑन बोथ देम एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेबल विल बी एक्सेप्टेड। जिसमें आपको पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फ़ी भरना है, उसके बाद आपको स्कैन करना है फ़ोटो और फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन। साथ ही में जो फ़ोटो रहेगा वो 4.5 सेंटीमीटर से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर के अराउंड रहेगा, और जो सिग्नेचर रहेगा वो वाइट पेपर पर रहेगा और ब्लैक इंक से रहेगा, वाइट ब्लू इंक से नहीं रहना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो रहेगा वो वाइट पेपर पर रहेगा, वो भी जो है ब्लैक और या फिर ब्लू इंक से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका हैंड डिक्लेरेशन जो रहेगा वो वाइट पेपर पर रहेगा, वो ब्लैक इंक के पेन से ही आप लिखिएगा। टेक्स्ट गिवन बिलो आपका यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में एकदम, ठीक है। सिग्नेचर एंड कैपिटल लेटर विल नॉट बी, सॉरी कैपिटल लेटर में नॉट एक्सेप्टेड यहाँ पर लिखा है, फिर कैपिटल लेटर में मत लिखिएगा, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर आएंगे तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैंड एंड नॉट स्मज्ड। इफ़ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट थंब ही शी मे यूज़ हिज हर राइट थंब फॉर अप्लाइंग, ठीक है। ये जो है ये सब कंडीशंस है, इस कंडीशन को देखते हुए ही जो है आप इसमें अप्लाई करिए। कैंडिडेट हैव टू गो द कंपनीज वेबसाइट, नेशनल जो कंपनीज को ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ जा कर के जो है आप उसमें अप्लाई करेंगे। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उससे मिल जाएगा, बाकी नोटिफिकेशन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। एंड क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन अंडर द रिक्रूटमेंट सेक्शन विच विल ओपन अ न्यू स्क्रीन, ठीक है। तब आप जाकर के इसमें रजिस्ट्रेशन करिएगा। सब स्टेप जो है यहाँ पर बताया गया है। फिर पेमेंट भरने का भी जो स्टेप आपको बताया गया, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड फोटो ऑफ, ये भी बताएगा, सब आपको इसमें जो है ना नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, ठीक है। कैसे आपका यहाँ पर देखो हैंड राइट डिक्लेरेशन कैसा रहेगा, देखो फाइल टाइप IPG, डिमेंशंस फाइल साइज 50 KB से लेकर के 100 KB के अंदर ही जो है रहना चाहिए, तब जो है इसके अंदर आपको एकदम प्रॉपरली जो है बताया गया। तो ये था जॉब निकला हुआ है NICL जो कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी LTD के द्वारा। 500 पदों पर भर्ती है, असिस्टेंट की पोस्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त सैलरी भी है, और इसमें देखा तो ग्रेजुएशन पास अगर आप है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई भी समस्या आ रही तो आप कमेंट करेगा, तो अप्लाई करने पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।